अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, करम में फजल है, रहमत है। मैं भी बेहतरीन हूँ। अभी मैं बाहर निकला था पार्क में जाने के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों को साथ लेके चलूँ और व्लॉग भी बनाऊँ साथ साथ। तो मैं जा रहा था बख्शा म्यूज़ियम, अगर शायद वो खुला हुआ। तो बाहर निकला हूँ तो बाहर आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है, बारिश शुरू हो गई है, बिल्कुल बारीक बारिश है और नज़र भी नहीं आ रही, जो छोटी छोटी बारीक बारिश है। मौसम अच्छा है, अभी हल्की सी पहले धूप निकली हुई थी, अभी बारिश शुरू हो गई है, बादल थे हल्के हल्के पर मौसम बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जा रहा हूँ बख्शा म्यूज़ियम, मैंने कहा लोगों को साथ लेके चलता हूँ। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है, कल मैंने गाड़ी दिलवाई थी और उसके बाद से बारिश हो रही है। तो आइए अब हम चलते हैं बख्शा म्यूज़ियम और आप लोगों को दिखाता हूँ उसको अंदर से। ये मैं पहुँच गया हूँ बख्शा म्यूज़ियम पर, बख्शा म्यूज़ियम बंद है तो मैंने कहा आप लोगों को इसके पास का व्यू दिखा दूँ। ये देखें पीछे सीनरी, हाय 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 हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे देखें, मैं आपको बैक उस कैमरे से देखें जी, ये बख्शा म्यूज़ियम का व्यू है और ये उसके बैक साइड है, ठीक है। ये पीछे घर नज़र आ रहे हैं और ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और ये सामने बख्शा म्यूज़ियम है और वहाँ से एंट्रेंस है और ये बख्शा म्यूज़ियम सामने है, ये बंद है। अच्छा, इधर अंदर वो एक है, क्या इसको कहते हैं, फ्लावर नहीं, ये क्या है, नर्सरी है एक छोटी सी। तो ये भी बंद है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो रही है और वहाँ तक है इसकी एंट्रेंस, उधर आगे तक है एंट्रेंस ये रही। और ये सामने हमारे बख्शा म्यूज़ियम है, ये वही बाटले पार्क की बैक साइड है जहाँ पर मैं पहले भी एक वीडियो बनाई थी। तो ये आप देख सकते हैं वो सामने घर है और ये सामने बख्शा म्यूज़ियम है, पर म्यूज़ियम तो बंद है। मैंने कहा ये तो आप लोगों को दिखाऊँ ना पार्क कैसा है। तो जिस दिन ये खुलेगा इसकी म्यूज़ियम की वीडियो मैं अंदर से बनाऊँगा। और ये बैठे हैं मम्मा पापा और छोटा बेटा माशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं ये बख्शा म्यूज़ियम है और ये बख्शा म्यूज़ियम की सेंचुरी आ गई, 1911 में बना था, डोनेटेड बाय द विनेस ग्रुप। ये बख्शा म्यूज़ियम है, ठीक है। और ये फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर नहीं है, नहीं है। तो ये इसका म्यूज़ियम का ये बंद है, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो अंदर से ही बनाऊँगा, बाहर से नहीं। अब आग बहुत तेज़ चल रही है और आपको आवाज़ों में शोर आ रहा होगा। ये आप देख सकते हैं लोग इधर वॉक करने आए हुए होते हैं, ये बहुत अच्छी जगह है माशाल्लाह, यानी कि ठीक है, घर के पास है, 6-7 मिनट लगते हैं गाड़ी में हम इधर पहुंच जाते हैं। जिसकी बिल्डिंग की बैक साइड आ गई और यहाँ से इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ नीचे का, यानी कि ये भी सफाई हुई है, सफाई कह रहा हूँ। ये गार्डन के वो हैं, क्या नाम है अपना इसका, पौधे काटने वाले, क्या उसको कहते हैं, गार्डनर। ये देख सकते हैं आप पीछे तक सेटिंग हुई है माशाल्लाह, ये इसकी बैक साइड है, ठीक है। और यहाँ से ये वॉक करके रास्ता नीचे उतरता है, वो जूम करके वहाँ से जूम करके जूम होके नीचे आ रहा है, तो हम यहीं से शॉर्टकट मारते हैं। ये सारा वो वहाँ से रास्ता अंदर जा रहा है जंगल में, वहाँ से रास्ता जा रहा है अंदर जंगल में और यहाँ से रास्ता नीचे जा रहा है, हम यहाँ से जाएंगे तो किस्मत। और थोड़ी सी जगह गीली है, आ जाओ हाथ पकड़ो। और ये आप देख सकते हैं ये हम शॉर्टकट मार के आ गए, इतना रास्ता बड़ा घूम के कौन नीचे आए। तो ये आपके सामने है और माशाल्लाह क्या हरियाली हरियाली, सब्जा ही सब्जा है, क्या बात है। और नज़ारा आपके सामने इधर का, इधर बैठ के बंदा फ़ोटो शूट भी कर सकता है अपना, बहुत अच्छा फ़ोटो शूट आए। ऊपर से मेरे मोबाइल का तो कैमरा ही माशाल्लाह इतना प्यारा प्रोफेशनल कैमरा है। तो ये देखें ये सारा यहाँ का नीचे का नज़ारा है। वाटर फाउंटेन बंद है अभी क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से अभी तक ये बख्शा म्यूज़ियम खुला ही नहीं है, क्या बात है। इसमें भी घास उगाया क्या बात है, ऊपर पानी है पर नीचे घास उगाया। तो आप देख सकते हैं सामने से भी शेर आएगा करेगा यानी कि ये जंगल ही जंगल है, ये देख सकते हैं जंगल में जंगल,
क्या बात है। और हम वहाँ से नीचे उतरे हैं, वो सामने उसकी बिल्डिंग आ गई, बख्शा म्यूज़ियम की बिल्डिंग। बड़ा सुकून आ रहा है अंदर आके, बहुत पुरसकून है। तो अब यहाँ से हम उधर से नीचे उतरे थे और यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। तो रास्ता यहाँ पे बना हुआ है और वो छोटू जो उधर पापा के साथ बैठा हुआ था वो आ रहा है इधर नीचे। और ये आप देख सकते हैं क्या नाम है, ये रास्ता नीचे जा रहा है उधर ही वापस पार्क की तरफ, और ये उधर नीचे पार्क की तरफ जा रहा है, और ये रास्ता वापस ऊपर जा रहा है। और वहीं से यहाँ से ही घूम के, अभी हमने वहाँ से घूम के वहाँ जाके वापस बाहर निकलना है, फिर गाड़ी में बैठेंगे और घर जाएंगे। फिर जिस दिन ये खुलेगा बख्शा म्यूज़ियम, उस दिन इसकी वीडियो बनाऊंगा अंदर से, आपको दिखाऊंगा इधर म्यूज़ियम में है क्या। ये आप देख सकते हैं, यानी कि घना जंगल है, बहुत पुरसकून है। ये होंगी इधर अल्लाह की मखलूक दूसरी भी होगी, जिन भूत वगैरह भी होगा। देखिए ऊपर तक भरा हुआ है। तो चलो जी, आज मेरा वीडियो का दिन था पर वीडियो तो नहीं बनाई। अब देखें बाकी, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक आसानी करे, तो जो होगा देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। ये भी कुछ है, इधर घोड़े वगैरह भी होते हैं पर घोड़े इस टाइम नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ गए। ये अभी हम वापस जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और फिर हम जाएंगे यहाँ से बाहर। तो चलो जी, चले। वो ये देखें इसकी हालत देखें, ये बख्शा म्यूज़ियम का मैप लगा हुआ था सारा जंग से ख़त्म हो गया हुआ है। तो ये जो नज़ारा है ना इधर का, माशाल्लाह बहुत आखिर का है। ये आप देख सकते हैं, इधर मैंने पहले दो तीन अपनी पिक्चर्स ली हुई हैं, तो थोड़ी सी उतराई थी, उतराई है आप देख सकते हैं, वो नीचे तक उतराई है। तो वॉक तो मैं करता कोई नहीं इतनी, तो सारा दिन घूमता फिरता रहता हूँ गाड़ी में ही, पैदल चलने की तो आदत ही कोई नहीं है। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक आसानी करे। ये देख सकते हैं आप, इतना प्यारा मशरूम्स, ये देखें जी मशरूम्स, मेरा मशरूम, और ये भी है दो तीन चार मशरूम बड़े बड़े, यहाँ पे भी हैं। चलो जी, हवा बहुत तेज़ हो गई है और आपके सामने है व्यू तो माशाल्लाह। अभी हम दरख्त के पीछे खड़े हुए हैं ताकि व्यू सही तरीके से कैप्चर कर सकूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये अल्लाह पाक की, घर चलते हैं। और ये ड्रम पड़े हैं ना, इनमें बोतलें डालते हैं लोग शराब की, जो शीशे की बोतलें वगैरह होती हैं वो भी भरा हुआ है। तो ये बोतलें रिसाइकल होती हैं, फिर शीशे वगैरह बनते हैं, इनसे काफ़ी कुछ बनता है। ये रास्ता है जी बख्शा म्यूज़ियम का, जो इसकी बैक साइड से आता है ऊपर की तरफ से। तो मैं कहीं आप लोगों को दिखा दूँ, ये इस साइड पर बख्शा म्यूज़ियम का एंट्रेंस गेट भी है। पर अब हम वापस जा रहे हैं, मैंने कहा ये खाली आपको वो थोड़ा सा रास्ता दिखा दूं, क्योंकि इधर बख्शा म्यूज़ियम के बोर्ड लगे हुए हैं। घर इधर प्यारे हैं, बहुत प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक रहने वालों को रहना नसीब करे। और ये जो सामने हिल देख रहे हैं इससे भी बहुत प्यारा व्यू है, यानी कि एंड का घर, हमने यहाँ से लेफ्ट होना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने का जिसका घर है ना, मैं तो कहता हूँ माशाल्लाह उसको बहुत प्यारा व्यू मिला है माशाल्लाह। ये घर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है, अच्छा खासा महंगा घर होगा। ये दोनों घर जो है राइट लेफ्ट पे, इनका व्यू बहुत आखिर का व्यू है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब हम घर जा रहे हैं, घर जाने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। ओके अल्लाह। ये देखें, ये मैं मेन रोड पे आया हूँ ना, तो ये ऊपर आए हुए थे घोड़े सारे, वहाँ नीचे जो होते हैं ना घोड़े, तो ये सारे इधर खड़े हैं। ये देखें नीचे से इधर आए हुए घोड़े, अच्छी खासी हाइट वाले घोड़े हैं, वो इधर नीचे भी खड़े हैं, वो बांधे हुए शायद।
ये आप देख सकते हैं, ये मेन रोड इधर है, मौसम कितना प्यारा है। इस साइड से भी ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, हम उस साइड भी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या प्यारा व्यू है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो जी चले बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन है। तो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म होती है बख्शा म्यूज़ियम के साथ। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अभी तक तो म्यूज़ियम खुला नहीं है, उम्मीद है कि जल्दी खुल जाए, पर इंटरनेट पे जो है ना, ये लोग दे रहे हैं टाइमिंग के ये म्यूज़ियम खुल गया हुआ है, पर खाली वीकेंड पे दे रहे हैं, पर अभी तक खुला नहीं है। उस तरह जब भी मैं गया हूँ, 2-3 दफ़ा मैं चक्कर लगाया हूँ पर नहीं खुला। तो मुझे था इस हफ़्ते खुला होगा पर नहीं खुला था। तो बाकी इंशाल्लाह जो हुआ मेरे से मैं करूँगा इंशाल्लाह साथ साथ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।